हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही छोटा वाला वीडियो है बट बहुत ही काम का है, और वो है मोबाइल चार्जर होल्डर। वैसे सिर्फ मोबाइल नहीं, आप कुछ भी चार्ज कर सकते हो इससे। तो पहले आपको मैं प्रोडक्ट दिखा देती हूँ, वो है ये, और ये कुछ ऐसा वाला है। ये बहुत ही काम का है, ये मैंने मीशो से परचेस किया है। इसका जो प्रोडक्ट कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का है। आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैंने येलो वाला परचेस किया है, मुझे मैंगो येलो पसंद है, आपको तो पता ही है। ये ना पहले जब आया था कुछ इस तरह से था, इस तरह से, फिर इसको ऐसे ऐसे रहता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है। आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप इसको ले सकते हो। तो इसको ऐसे करके आप जस्ट प्लग में इन कर दो। मैं इसका डेमो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको प्लग में इन कर दो और इसके ऊपर ना आप चार्जर लगा दो। चार्जर लगा दिया और इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके, आपने ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे रख दो। और इसका जो वेट है ना, ये बहुत ज्यादा वेट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई ज्वाइंट नहीं है जो बहुत इजी तरह से टूट जाएगा। तो इसमें मैंने भारी के भारी चीज़ें रखे हैं, अपने जो पावर बैंक है उसको चार्ज किया है, जो मेरे मोबाइल है वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ, और कभी कभी मैं अपना जो ब्लूटूथ स्पीकर है उसको भी मैं चार्ज दे देती हूँ, और इसमें मैं लाइट्स वगैरह सारे कुछ चार्ज देती हूँ, तो इसके ऊपर ही रखती हूँ। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होता है कि आपका प्लग पॉइंट जहाँ है, जैसे कि मेरे है, मेरे रूम में दो प्लग पॉइंट है, एक पे तो मेरे हस्बैंड चार्ज देते हैं, वो जब चार्ज दे रहा है तब मैं दे नहीं पाती हूँ, तो उसके वजह से क्या होता है। और दूसरा जो एक प्लग पॉइंट है ना, वहाँ पे मेरा वाईफाई कनेक्टेड है, तो उसके साथ जो कॉर्ड लगा हुआ है, एक के ऊपर तो वाईफाई है और दूसरे के ऊपर मैं ये लगा देती हूँ। नीचे कोई भी टेबल नहीं है, सिर्फ इसी जगह पे कोई टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड है, तो इस जगह के लिए मैं फ़ोन रखूँ तो कहाँ रखूँ। तो उसके लिए मुझे ये वाला होल्डर मिल गया कि जब मैं फ़ोन को चार्ज दूँ तो इसको ऐसे लगा के मैं यहाँ पे चार्ज पे रखूँ। तो ऐसा वाला भी आप डाउट मत रखना कि आप इसके थ्रू चार्ज करोगे तो आपका चार्ज बहुत धीरे होगा, ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है जैसे कि नॉर्मल होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम का एक चीज़ था। आपको प्राइस वगैरह सब कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और बहुत ही काम का है। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर बता देना, और इसका डेमो आप देख कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरा स्विच बोर्ड जहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करने वाली हूँ। मैं इसको प्लग इन कर देती हूँ, तो ये हो गया ऐसा वाला। अभी मैं इसमें अपना चार्जर लगा देती हूँ। मैंने अपने चार्जर भी यहाँ पे लगा दिया है, और मैं अपने फ़ोन को भी यहाँ पे चार्ज कर सकती हूँ। तो मैंने फ़ोन को भी चार्ज में बैठा दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हो कितनी इजी तरीके से ये यहाँ पे बैठ गया है। तो ओवरऑल लुक कुछ इसका इस तरह से है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट सा प्रोडक्ट है। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसा वाला एक काम का चीज़ अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।